अतीक के बेटों पर क्यों है ईडी की नजर? क्या बेटों के लिए शाइस्ता करेगी सरेंडर? उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद से उसके परिवार की एक के बाद एक काली करतूतें सामने आ रही हैं। आए दिन कोई न कोई मुसीबत इस परिवार को घेर रही है। पिछले 5 महीनों में उत्तर प्रदेश के इस परिवार की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता अतीक की हत्या के बाद से फरार है, वहीं अतीक शाइस्ता का एक बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, तो वहीं अब अतीक के दो बेटों पर ईडी की नज़र तेज हो गई है। अतीक अहमद के परिवार के एक के बाद एक नए गुनाह सामने निकल कर आ रहे हैं। फरार चल रही शाइस्ता के गुनाहों के लिए पुलिस उसे ढूंढ रही है, उस पर इनाम भी घोषित है, लेकिन वो बचती फिर रही है। अतीक शाइस्ता के बेटों पर ईडी की नजर। एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के अलावा अतीक के दो और बेटे अब ईडी की नजर में आ चुके हैं। इनके नाम है अली मोहम्मद और उमर। आपको बता दें ये दोनों पहले ही जेल में बंद हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अली और उमर प्रॉपर्टी डीलर से लेकर दूसरे कारोबारियों से रकम वसूलते थे। खबरों के मुताबिक ईडी को दोनों के खिलाफ अच्छे खासे सबूत मिले हैं। अतीक के ये दोनों बेटे करोड़ों में डील करते थे। जानकारी के मुताबिक पिता जेल में था तो पैसे वसूलने की जिम्मेदारी अली और उमर पर ही थी। दोनों बेटों के खिलाफ ईडी को मिले सबूत। ईडी अब दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करके केस दर्ज करने की प्लानिंग कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी लगातार जांच में जुटी हुई है। हवाला के जरिए भी काफी पैसा इधर उधर भेजा गया था। इसी मामले में अतीक के दोनों बेटों की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ये केस दर्ज हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अतीक के ये दोनों बेटे डबल मुसीबत में फंस सकते हैं। उमर और अली पहले ही जेल में बंद हैं। उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी जेल में सजा काट रहा है। काफी समय तक फरार रहने के बाद उमर और अली दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने उन पर इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उमर पर 2 केस दर्ज हैं, जबकि अली 6 अलग-अलग मामलों में आरोपी है। अब अगर ईडी इनके खिलाफ कोई केस दर्ज करती है तो ये उनका अगला गुनाह होगा, जो दोनों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्या बेटों को बचाने के लिए शाइस्ता करेगी सरेंडर? उमर और अली के पिता अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अपने दोनों बेटों को नई मुसीबत में फंसा देखने के बाद क्या फरार शाइस्ता परवीन वापस लौट कर आएगी? शाइस्ता को फरार हुए करीब 4 महीने हो चुके हैं। पुलिस को उसके कोई सुराग हाथ नहीं लग रहे। आपको बता दें, शाइस्ता अपने छोटे बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी उसको आखिरी बार देखने नहीं आई थी और न ही पति के जनाजे में वो शामिल हुई थी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।